ये आपको अपनी बुक में पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको इसका सारांश समझा देती हूँ। इसमें टोटल लेसन में दे गया, इस लेसन में एक चूहा रहता है, ठीक है। वो अपने बिल में देता है, तो काफी दिनों से बारिश हो रही थी, तो वो बिल से नहीं निकल पाया बहुत दिनों से। तो उसने सोचा आज मैं बिल से बाहर निकलूंगा और शहर में घूम के आऊंगा। तो वो अपने बिल से बाहर निकलता है और झूमता घूमता हुआ शहर में जाता है। तो उसे रास्ते में एक कपड़े की दुकान मिलती है, वो उस दुकान के अंदर घुस जाता है। जब दुकानदार उसको देखता है तो बोलता है, अरे चूहे, तेरा ये दुकान में क्या काम है, तो बाहर निकल, क्या करने आया है। तो वो दुकानदार से बोलता है, मुझे एक टोपी सिलवाना है, तो उसके लिए मुझे कपड़ा दे दो। तो राजा बोलता, वो दुकानदार बोलता है, नहीं मैं कपड़ा नहीं दूंगा, तुम्हें टोपी का क्या काम है। तो वो चूहा बोलता है, तुम मुझे टोपी के लिए कपड़ा देते हो या नहीं। तो दुकानदार उसको मना कर देता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो वो दुकानदार के सामने एक गाना गाता है, क्या गाता है, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दुकानदार उससे डर जाता है और उसे कपड़ा टोपी सिलवाने के लिए दे देता है। अब चूहा सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ता है, एक दर्जी की दुकान में जाता है, दर्जी से बोलता है, मेरी टोपी सिल दो, मैं कपड़ा लाया हूँ रेशमी, इसलिए मेरी टोपी सिल दो। तो वो दर्जी बोलता है, अरे चूहा भी कोई टोपी पहनता है, चल भाग यहाँ से। तो चूहा बोलता है, तुम्हें टोपी सिलते हो या नहीं। तो वो दर्जी बोलता है, नहीं नहीं सिलूंगा। फिर चूहा उसको डराता है, वही गाना गाती, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दर्जी उसे डर जाता है और उसकी टोपी सिल देता है। वो अच्छे शान से टोपी पहनता है और फिर सड़क पे चलता है। तो उसे एक छोटी सी दुकान मिलती है जहाँ पे बहुत सारे चांदी के रंग का और सुनहरे यानी सोने के रंग के सितारे दिखते हैं। तो वो सोचता है कि मेरी टोपी बहुत सिंपल है, बहुत सादी है, तो मैं इसमें तारे लगवा लेता हूँ। तो दुकानदार के पास जाता है कि मुझे तारे दे दो, मुझे मेरी टोपी में लगवाना है। तो वो दुकानदार बोलता है, अरे चूहा भी कोई टोपी पहनता है, वो टोपी तो सिलवा ली, फिर उसमें कोई सितारे भी लगवाता है क्या। तो चूहा बोलता है, हाँ मैं तो लगवाऊंगा, आप मुझे दोगे या नहीं। तो दुकानदार बोलता है, नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो फिर उसके सामने गाने गाने से डराता है, कैसे डराता है, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सितारे बिखेरूंगा। तो दुकानदार उसे डर जाता है, उसे सितारे दे देता है। फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि अब मैंने इतनी अच्छी टोपी बनवा तो ली अपनी, लेकिन अब ये दिखाओ किसे ने टोपी। तो वो जाता है राजा के पास और राजा से बोलता है, राजा साहब देखो मेरी टोपी कैसी लग रही है। तो राजा बोलते हैं, अरे तुम तो एक बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम तो एकदम राजकुमार की तरह दिख रहे हो। राजा की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो राजा से बोलता है, तो फिर आप गद्दी पे से उतरो, मैं बैठूंगा आज गद्दी पे। राजा बोलता है, अरे तुम पागल है क्या, चूहा भी कोई गद्दी पे बैठता है। बोले, नहीं मैं तो बैठूंगा, तो आप करते हो कि नहीं। राजा उसको धमकाता है, नहीं मैं नहीं उतरूंगा, और अपने सारे सिपाहियों को उसके पीछे लगा देता है कि जाओ इसको भगाओ। सिपाही उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन चूहा